नमस्कार किसान साथियों, आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल एग्रीकल्चरल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो में बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए इमीडा क्लोरोपिड 70% WG के बारे में बात करने वाले हैं कि यह किस प्रकार से काम करता है और इसके उपयोग अगर आप करते हैं तो यह कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है और इसका उपयोग आप कौन कौन सी फसलों में कर सकते हैं, इसकी बहुत ही डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, आप इसका उपयोग नर्सरी में भी कर सकते हैं और आप किसी भी प्रकार की हरी सब्जियों की फसल में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका उपयोग धान की फसल या गेहूं में भी कर सकते हैं। यह मुख्य रूप से एक सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है, अर्थात यह एक अंतःप्रवाही कीटनाशक है जो कि पौधों के नर्वस सिस्टम पर कार्य करता है। यह कीटों के तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर उन्हें मारने का काम करता है। यह कीटों के अंदर जाकर उन्हें पैरालिसिस करके उन्हें मारता है और यह सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड होने के कारण यह एक अंतःप्रवाही कीटनाशक है जो कि अंतःप्रवाही कीटनाशक होने के कारण उन्हें जल्द से जल्द पैरालिसिस करके उन्हें खत्म करने का काम करता है। इसमें ट्रांसलेमिनार एक्शन भी होता है जो कि पौधे के पत्ते के ऊपर अगर आप इस दवा को स्प्रे करते हैं तो ट्रांसलेमिनार एक्शन होने के कारण या पत्तियों के पीछे जो कीट होते हैं उन्हें भी नष्ट करने का काम करता है, क्योंकि ट्रांसलेमिनार एक्शन जो होता है या पौधे के अगर आप ऊपरी हिस्से पर छिड़काव करते हैं तो यह जल्द से जल्द इसका असर आपको पत्तियों के पीछे भी देखने को मिलता है, जिससे कि जो भी पत्ती के पीछे कीट होते हैं वह भी पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। और इसमें स्टोमेच एक्शन भी होता है जो कि कीटों के पेट में जा करके उन्हें मारने का काम करता है। अब बात करते हैं कि आप इसका उपयोग अगर करते हैं तो कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो आप इसका उपयोग कपास में, धान में, सोयाबीन, हरी सब्जियों की किसी भी फसल में, चाहे वह लौकी, भिंडी, मूली या फिर दूसरी भी कोई फसल है तो आप उनमें भी कर सकते हैं। आप इसका उपयोग मिर्च की फसल में भी थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप इसका उपयोग अपनी कॉटन की फसल या फिर दूसरे किसी फसल में करते हैं तो कितने कितने डोज लेना है आपको, इस के बारे में समझते हैं इस वीडियो में, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है कि आप कौन कौन सी फसलों में कितनी मात्रा लेंगे तथा किस फसल में कौन कौन सी यह कीटों को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यह कॉटन में मुख्य रूप से जेसिड, एफिड और थ्रिप्स को कंट्रोल करता है और इसके लिए आपको 12 से 14 ग्राम पर एकड़ दवा को लेना है और इसको स्प्रे आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी में स्प्रे करना है। और अगर पैडी या फिर राइस की बात करें तो उसमें ब्राउन प्लांट हॉपर, वाइट बैग्ड प्लांट हॉपर को कंट्रोल करने का काम करता है, इसके लिए भी आपको 12 से 14 ग्राम दवा को लेना है और 150 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे करना है। ओकरा में आपको, मतलब भिंडी में, जेसिड, एफिड और थ्रिप्स को कंट्रोल करता है, इसमें भी आपको 12 से 14 ग्राम लेना है और 150 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे करना है। अब बात करते हैं कि यह कौन कौन से अलग और कंपनियों का आता है जिसको कि आप मार्केट से ले सकते हैं। तो आप बायर कंपनी के द्वारा बनाए गए एडमायर को ले सकते हैं या फिर HPM के द्वारा बनाए गए गजनी नाम की से भी मार्केट में उपलब्ध होता है तो आप उसको भी ले सकते हैं, या फिर आप दूसरी भी किसी अच्छी कंपनी का देख करके ले सकते हैं। इसका उपयोग आप सब्जियों की फसल में लगभग 35 से 40 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है, जिससे कि जो भी थ्रिप्स, एफिड, जेसिड्स होते हैं इन्हें पूर्ण रूप से कंट्रोल कर सकता है। या मार्केट में 2-2 ग्राम का पाउच भी उपलब्ध होता है जिसका उपयोग आपको 2 से 4 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से करना है, अर्थात 2 ग्राम या फिर आप 4 ग्राम दवा को ले करके 15 लीटर पानी में मिला करके स्प्रे आपको करना है, जिससे कि जो भी मिर्च की फसल या फिर दूसरी हरी सब्जियों की फसल है उसमें एफिड या जेसिड जो भी हों वह पूर्ण रूप से कंट्रोल हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।